हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवी अपडेट दे लई। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों यानी कि भारत सरकार वालों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशनज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टस दे अंडर भर्ती आउट हुई है। दोस्तों, ये भर्ती हैगी है जी GDS की भर्ती, जिहड़ी कि हर साल आउंदी है, ग्रामीण डाक सेवक GDS नूं कहा जांदा। दोस्तों, ते इह जिहड़ी भर्ती आ शड्यूल सैकेंड की जिहड़ी भर्ती है, जुलाई 2023 की। तां इहदे विच की कुछ आ दोस्तों, की क्वालिफिकेशन आ, किहड़ियां किहड़ियां पोस्टां आ, पूरी जानकारी तुहानूं इस वीडियो दे विच मिलेगी। हालांकि आपां इस तों पहलां वी जदों इह भर्ती आई आ तां इहदे संबंधी आपां पहलां वी काफ़ी बार वीडियो बना चुके हैं, बट इह लेटैस्ट भर्ती आ तां इहदे संबंधी वी तुहानूं पूरी जानकारी देवांगे। ते नोटिफिकेशन दोस्तों इह रिलीज़ होया जिहड़ा इह 31 जुलाई 2023 नूं, ते इहदे विच जिहड़े पोस्टां हैगियां दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS, उस तों बाद जी GDS दे अगे फरदर जिहड़ियां इह कैटेगराइज़ कीतियां होईयां ने, GDS दी पोस्ट आ जिहड़ी फरदर कैटेगराइज़ कीती आ, जिवें जिहदे विच ब्रांच पोस्ट मास्टर आ जांदे जी, BPM या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM या फिर डाक सेवक, ठीक है जी। तां तीन तरां दीआं इहदे विच अगे फरदर कैटेगराइज़ इहनां नूं कीता होया। तां इहदे लई दोस्तों, जिहड़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, वो इन्हें वैबसाइट है जी www.indiapostgdsonline.gov.in पर भरे जाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन की गल करिए, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 3 अगस्त 2023 तो यदि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 23 अगस्त 2023 तक ये फार्म भरे जाने। उस तो बाद जी एडिड करैक्शन विंडो जी ओपन होनी है, वो 24/8 तो लैके 26/8 तक होनी है। जे तुहाडा कोई फार्म गलत भरया जाता तो 24 तो 26 अगस्त के विच विच तुसीं उहनूं ठीक कर सकदे हो। उस तो बाद जी तुहानूं इमोलमेंट्स मिलने हैं, इमोलमेंट्स यानी कि जिहड़ा मान भत्ता मिलना जां तनखाह मिलनी है, उहदे च जिहड़ी तुहानूं इह मिलनी है इमोलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटड कंटीन्यूटी अलाउंस, ठीक है, TRCA नूं कहा जाता, यह मिलना है। प्लस ये तुहानूं DA मिलना है, जिहनूं डीयरनैस अलाउंस कहा जाता, देयर ऑन आर पे टू द GDS, ठीक है जी। तो यह जिहड़ा एप्लीकेबल TRCA है, ये किद्दां मिलना तुहानूं, जिवें BPM जिहड़ा कैंडिडेट अपॉइंट होएगा उहनूं TRCA स्लैब का जिहड़ा जिहड़ा हैगा इमोलमेंट्स है वह 12,000 तो लैके 29,380 तक है। ABPM या डाक सेवक नूं 10,000 तो लैके 24,470 तक है इन्हों का, ठीक है, स्लैब बनी हुई है इन्हों की। उस तो बाद जी जॉब प्रोफाइल बारे दस्या कि जिवें ब्रांच पोस्ट मास्टर है तो डे टू डे जिहड़े भी पोस्टल ऑपरेशन होणगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से वह परफॉर्म करनगे, जे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जिहड़ा IPPB कहा जाता जिहनूं, तो उहदे जो कामकार होणगे वह उन्हां दी जिहड़ी देखभाल आ सारा ब्रांच पोस्ट मास्टर करेगा, ठीक है। इस तरह ही ABPM का भी दस्या होया, ठीक है, यह भी देख लैना, डाक सेवक का भी दस्या होया, तो यह सारा कुछ इत्थे फुली डिस्क्राइब किया होया। उस तो बाद जी इन्होंने एक चीज़ होर दसी कि जिहड़ा एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया, ठीक है, एक चीज़ तुसी इत्थे नोट करनी है कि डाक सेवक है जिहड़ा, डाक सेवक वास्ते जे तुसी अप्लाई करोगे तो उस तो एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया की गल करिए, उस तो पहले आप डाक सेवक की गल कर रहे थे, डाक सेवक की जिहड़ी जे उन्हें अप्लाई करना तो उन्हें उस पोस्ट ऑफिस की यूरिसडिक्शन दे विच रहना पएगा, ठीक है। मान लो किसी वो ब्रांच ऑफिस दे लई अप्लाई कर रहा है तो उन्होंने उस एरिए दे विच ही, पर्टिकुलर एरिए दे विच ही उन्हें अपनी रेजिडेंस रखनी पएगी, ठीक है। जे ABPM लई अप्लाई कर रहा है तो उन्होंने उस एरिए दे विच अपनी रेजिडेंस रखनी पएगी, तो इस चीज़ की भी ये शर्त है। उस तो बाद एलीजिबिलिटी क्राइटीरिया की गल करिए, सारिया पोस्टों के लिए एज लिमिट है जी घट्टो घट 18 साल है, वध तो वध 40 साल है जी, ठीक है जी, घट्टो घट 18 साल, वध तो वध 40 साल। दैन दोस्तों रिलैक्सेशन जी अपर एज लिमिट के जिमें भी सरकार दी हदायतों अनुसार, जिमें SC ST लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन, OBC लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन, EWS लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होंगी, PWD लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन, तो इधर उधर रिलैक्सेशन जिहड़ियां वेरियस कैटेगरीज़ नूं दित्तियां गईयां। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गल करिए, 10वीं पास होने चाहिए हो, किसी भी स्टेट बोर्ड तो 10वीं की हो, 10वीं दे विच तुसीं मैथ ते इंग्लिश जरूर पास होने चाहिए हो, हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलैक्टिव सब्जैक्ट, ठीक है। 10वीं दे विच तुसीं मैथ ते अंग्रेजी दोनों विषय जरूर किए हो, ठीक है, तां ही तुसीं अप्लाई करना इहदे लई। उस तो बाद जी एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, जिवें हुण तुसीं पंजाब लई अप्लाई करोगे तो 10वीं दे विच पंजाबी पास भी जरूर होने चाहिए हो। ते दैन दोस्तों रिजर्वेशन जिहड़ी आ
ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਦਰ ਹਾਇਰ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 80% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੀ 90+ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ 95+ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2-4% ਨੀਚੇ ਆ ਜੇ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫੀਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, OBC ਕੈਟੇਗਰੀ, EWS ਕੈਟੇਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਆ, ਚਾਹੇ EWS ਆ, ਚਾਹੇ SC ਆ, ਚਾਹੇ OBC ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SC ST ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। PWD ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਵੂਮਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ, OBC, EWS ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਾ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।